नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम MPPSC एकेडमी में। और दोस्तों, आज से हम दोस्तों एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इस नई शुरुआत के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पूरी लूसेंट जीके को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो पूरे लूसेंट सामान्य ज्ञान को दोस्तों इस सीरीज में आप सभी के लिए पूरे लूसेंट जीके को कवर करेंगे, पूरी लूसेंट जीके पर बातचीत की जाएगी। कंप्लीट लूसेंट जीके दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को कराई जाएगी। और दोस्तों, जिसकी शुरुआत आज से दोस्तों की जा रही है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के दोस्तों पाठ्यक्रम को देख लेते हैं कि किस तरह से इसका पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों सिलेबस पाठ्यक्रम इसका देख लेते हैं दोस्तों। तो विषय दोस्तों लूसेंट सामान्य ज्ञान है और इसमें पहले टॉपिक में दोस्तों इतिहास दिया है और इतिहास के अंतर्गत दोस्तों कई सब टॉपिक्स हैं। और फिर दोस्तों भूगोल दूसरे टॉपिक में है। फिर दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और दोस्तों फिर भौतिक विज्ञान फिजिक्स का टॉपिक है। और फिर दोस्तों रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का टॉपिक है। और उसके बाद दोस्तों जो सातवां टॉपिक है वो जीव विज्ञान का है। और आठवां टॉपिक दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। और दोस्तों नवा टॉपिक मिसलेनियस का है, विविध का है। और दसवां टॉपिक दोस्तों खेल कूद स्पोर्ट्स से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों जो ग्यारहवां टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो कंप्यूटर का है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, तो इतिहास से दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इतिहास को देखेंगे। तो इतिहास को दोस्तों इस बुक में, लूसेंट बुक में दोस्तों इतिहास को भारत के इतिहास और क्या है दोस्तों विश्व के इतिहास, तो इंडियन हिस्ट्री और क्या है दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री में बांटा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास और क्या है दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व का इतिहास में बांटा गया है। और दोस्तों भारत के इतिहास को पुनः तीन जो है तो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मेडिएवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरह से दोस्तों तीन टॉपिक हो गए इतिहास के। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग बातचीत करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास पर, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया पर। तो आज दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास पर, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नामकरण, नॉमिन कल्चर, ठीक है दोस्तों। महाकाव्य दोस्तों पुराणों में भारत को दोस्तों भारतवर्ष कहा गया। पुराणों में क्या कहा गया दोस्तों, भारत को भारतवर्ष कहा गया। और दोस्तों भारतवर्ष क्यों कहा गया, क्योंकि ये भरत का देश था और यहाँ के निवासियों को दोस्तों भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया। और दोस्तों यूनानियों ने भारत के लिए दोस्तों इंडिया शब्द का प्रयोग किया। यूनानियों, ग्रीक्स ने क्या किया दोस्तों, ग्रीक्स ने इंडिया कहा। ग्रीक्स ने भारत को क्या कहा दोस्तों, तो ग्रीक्स ने भारत को इंडिया कहा। और मध्यकालीन दोस्तों जो मुस्लिम इतिहासकार थे, मुस्लिम हिस्टोरियन थे दोस्तों,
उन्होंने इसको हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो भारत को दोस्तों महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष, भारत का देश, भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, और यहाँ के निवासियों को दोस्तों भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा। और दोस्तों यूनानियों ने इसको इंडिया कहा दोस्तों, यूनानियों ने, ग्रीक्स ने क्या कहा दोस्तों, इंडिया कहा। और मुस्लिम इतिहासकार, मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे दोस्तों, मुस्लिम हिस्टोरियन जो थे दोस्तों, उन्होंने इसको हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों नामकरण। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे स्रोत। तो इतिहास जानने के दोस्तों स्रोत कौन कौन से हैं, तो उन पर बातचीत करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है दोस्तों, इतिहास जानने के जो स्रोत हैं दोस्तों, तो उनके अंतर्गत जो पहला स्रोत है दोस्तों वो क्या है, वो है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। अब धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ दोस्तों, इसमें दोस्तों कई तरह के ग्रंथ हैं। तो सबसे पहला तो है धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्ट, ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, विदेशियों का विवरण, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों का विवरण दोस्तों। चौथा दोस्तों है, चौथा स्रोत जो है दोस्तों वो क्या है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों को चार भागों में डिवाइड करके दोस्तों इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले है धर्म ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्ट, फिर दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, और दोस्तों फिर विदेशियों का विवरण, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स, और फिर दोस्तों आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं धर्म ग्रंथ को, धर्म ग्रंथ को। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहले है दोस्तों धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्ट, और दोस्तों दूसरे क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। तो धार्मिक ग्रंथों में दोस्तों वेद हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया दोस्तों, पुराण हो गया, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, स्मृति ग्रंथ हो गए, धर्म सूत्र हो गया, आरण्यक हो गया, जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया। तो इस तरह से दोस्तों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, और दोस्तों धर्म सूत्र, आरण्यक, ये क्या है दोस्तों, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैन साहित्य, और फिर क्या है दोस्तों, बौद्ध साहित्य। तो धार्मिक साहित्यों को तीन भागों में, वैदिक, जैन और बौद्ध साहित्यों में क्या किया गया है दोस्तों, डिवाइड किया गया है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्र, आरण्यक आते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों जैन साहित्य और बौद्ध साहित्यों के अंतर्गत भी कुछ जो है तो ग्रंथ आते हैं, उनको हम लोग आगे देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा धार्मिक ग्रंथ। और दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में दोस्तों अर्थशास्त्र की कौटिल्य, राजतरंगिणी कलहण की, चचनामा, इसके लेखक दोस्तों अली अहमद, अष्टाध्यायी दोस्तों पाणिनि की, गार्गी संहिता दोस्तों कात्यायन की, और महाभाष्य दोस्तों पतंजलि की। तो इस तरह से दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ छह प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, राजतरंगिणी कलहण की, चचनामा दोस्तों अली अहमद की, अष्टाध्यायी पाणिनि की, गार्गी संहिता दोस्तों कात्यायन की, और महाभाष्य दोस्तों पतंजलि की। तो इन सभी के बारे में दोस्तों देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते चलते हैं। तो सबसे दोस्तों पहले है, हम देख रहे हैं धार्मिक ग्रंथ में। तो धार्मिक ग्रंथ में दोस्तों वेद सबसे पहले देखेंगे, वेदों को। तो वेद क्या है दोस्तों, वेद क्या है, वेद चार हैं। और दोस्तों भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद ही है। तो वेद क्या है दोस्तों, भारत के
सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया वेद है। तो क्या है दोस्तों, जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद हैं। और इसके संकलनकर्ता कौन है दोस्तों, तो इसके कंपाइलेटर कौन है दोस्तों, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता या वेदों का क्या है दोस्तों, कंपाइलेटर कहा जाता है। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है दोस्तों, तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। और भारत का क्या है दोस्तों, सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद ही है। अब वेदों को दोस्तों चार भागों में बांटा गया है। तो वेद क्या है दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। फिर उसके बाद का वेद दोस्तों साम वेद है। साम वेद में क्या है दोस्तों, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन है। फिर दोस्तों यजुर्वेद है। यजुर्वेद में दोस्तों चार अध्याय हैं, याद रखेंगे, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। फिर दोस्तों अथर्ववेद है। अथर्ववेद में दोस्तों तंत्र मंत्र जादू टोना आदि के बारे में बताया गया है। इन सभी को दोस्तों देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद, सबसे पहले क्या है दोस्तों, ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अर्थ क्या है दोस्तों, मीनिंग क्या है ऋग्वेद की, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋग्वेद क्या है दोस्तों, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचास। तो ऋचाओं का क्या है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचास क्या है दोस्तों, ऋग्वेद कहा जाएगा। तो ऋग्वेद का जो क्या है दोस्तों, क्रमबद्ध ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह है उसको ऋग्वेद कहते हैं। विभाजन दोस्तों, ऋग्वेद का विभाजन 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल दोस्तों, 10 मंडल, कितने सूक्त, 10-28 सूक्त, 1028 सूक्त दोस्तों, 10462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं दोस्तों, 10462 ऋचाएं हैं। और इन ऋचाओं में दोस्तों 250 इंद्र के लिए, 200 अग्नि के लिए, और इसके पढ़ने वाले जो है दोस्तों, इसके पढ़ने वाले ऋषि को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले क्या हैं, ऋषि हैं, उनको होत्री या होता कहा जाता है दोस्तों। होत्री या होता ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऋषि को कहा जाता था। आगे है दोस्तों जानकारियां, इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से दोस्तों हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्याज, तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी दोस्तों विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल, विश्वामित्र द्वारा दोस्तों जो रचा गया तीसरा मंडल था, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो क्या है दोस्तों, थर्ड मंडल कंपोज्ड बाय विश्वामित्र, डिस्क्रिप्शन ऑफ गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सन गॉड सावित्री। तो क्या है दोस्तों, डेडिकेटेड है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है दोस्तों जो गायत्री मंत्र, उसका वर्णन विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में है। किसके तीसरे मंडल में दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और 10 मंडल है ऋग्वेद में, जिसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 8वें मंडल में क्या है दोस्तों, तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। 8वें मंडल में क्या है दोस्तों, हाथ से लिखी गई ऋचाओं का वर्णन है, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको 8वें मंडल में वर्णित हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो याद रखेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल में वर्णित हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और 9वां मंडल दोस्तों, 9वां मंडल सोम देवता, गॉड सोम को क्या है दोस्तों, सोम देवता को समर्पित है। तो 9वां मंडल क्या है दोस्तों, सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल में दोस्तों चातुर्वर्ण समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का क्या है दोस्तों, वर्णन है। किसमें, 10वें मंडल में। याद रखेंगे चार वर्णों का जो समाज है दोस्तों, उसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। याद रखेंगे 4 वर्ण सोसाइटी ऋग्वेद के 10th वर्णन में क्या है दोस्तों, इसकी जानकारी मिलती है। 10वें वर्णन से क्या है, 10वें मंडल से क्या है दोस्तों, चातुर्वर्ण समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों कितने मंडलों को हमने देखा, प्रमुखता हमने
चार मंडल देखे, तीसरे मंडल में क्या है दोस्तों, सोम देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा रचित है दोस्तों। और आठवें मंडल में हाथ से लिखी गई ऋचाओं का वर्णन है, हाथ से लिखे गए मंत्रों का वर्णन है दोस्तों, और उसको खिल कहा जाता है। और नवे मंडल दोस्तों, नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। और दोस्तों दसवां मंडल चातुष्वर्ण समाज फोर वर्ण सोसाइटी की जानकारी देता है। चातुष्वर्ण समाज की जानकारी ऋग्वेद के दसवें मंडल से प्राप्त होती है। तो इस तरह से दोस्तों चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जानकारी क्या है दोस्तों, दसवें मंडल से मिलती है। धर्म सूत्र जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और धर्म सूत्र क्या होता था दोस्तों, धर्म सूत्र में इन चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के क्या है दोस्तों, कार्यों का वर्णन किया गया है। तो चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कार्यों का वर्णन धर्म सूत्र में किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपत ब्राह्मण का स्थान आता है। तो दोस्तों यदि आपसे कभी पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद के बाद शतपत ब्राह्मण का स्थान आता है। किसका स्थान आता है दोस्तों, शतपत ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, सामवेद। सामवेद दोस्तों गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में क्या है दोस्तों, गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया है। तो वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स, तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का क्या है दोस्तों, संकलन सामवेद में किया गया है। और सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक किसको कहा जाता है दोस्तों, तो सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। और इसके पाठकर्ता, इसको इसके जो दोस्तों वाचन करता है, पाठकर्ता है, रीडर हैं जो इसके पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसको उद्रात या उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उद्रात या कहीं कहीं दोस्तों उद्गाता शब्द मिलता है। तो याद रखेंगे उद्रात या उद्गाता क्या है, सामवेद के रीडर्स हैं, रीडर्स को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन, वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन दोस्तों किसमें है, वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन, वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। कंपाइलेशन ऑफ वैदिक रिचुअल रूल्स, तो वैदिक रिचुअल रूल्स का जो दो कंपाइलेशन है दोस्तों वो किसमें है, तो वो यजुर्वेद में है, याद रखेंगे। और यजुर्वेद के दोस्तों पाठकर्ता को, यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है दोस्तों, यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला ऋषि होता है उसको दोस्तों अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको अध्वर्यु कहा जाता है। और ऋग्वेद की विशेषताएं दोस्तों, स्पेशलिटी क्या है ऋग्वेद में, ऋग्वेद दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में है। क्या है दोस्तों, ऋग्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। इट इज बोथ इन प्रोस एंड वर्स, तो क्या है दोस्तों, प्रोस और वर्स दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। क्या दोस्तों, ऋग्वेद, सॉरी दोस्तों यजुर्वेद क्या है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद क्या है दोस्तों, यजुर्वेद की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता हुई कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। इट इज बोथ इन प्रोस एंड वर्स, तो ये क्या है दोस्तों, गद्य और पद्य दोनों में है, याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद हो गया दोस्तों। अब हमारे पास अगला वेद है अथर्ववेद। अगला वेद कौन सा है दोस्तों, अथर्ववेद, याद रखेंगे सबसे आखिरी में रचित वेद है। तो सबसे पहले रचा गया वेद दोस्तों ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा है दोस्तों, अथर्ववेद है, द लास्ट कंपोज्ड वेद अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है दोस्तों, सबसे आखिरी में रचित वेद है। तो सबसे पहले रचा गया ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद, और उसके बाद दोस्तों अथर्ववेद। तो सबसे पहला रचित वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद दोस्तों अथर्ववेद है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों अथर्ववेद के रचयिता कौन है दोस्तों, अथर्ववेद के आथर कौन है दोस्तों, लेखक कौन है, तो अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के रचना किसने की दोस्तों, तो अथर्वा ऋषि ने की। और अथर्ववेद से दोस्तों हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं, तो याद रखना
अथर्ववेद से रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह वशीकरण आदि का क्या है दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वासों का वर्णन भी क्या है दोस्तों, अथर्ववेद में है। तो अथर्ववेद में दोस्तों रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह प्रणय आदि संबंधों का क्या है दोस्तों, वर्णन किया गया है। और सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास एवं अंधविश्वास को क्या किया गया है दोस्तों, अथर्ववेद में बताया गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में क्या है दोस्तों, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की दो पुत्रियां दोस्तों सभा और समिति को कहा गया है। और किस में कहा गया है दोस्तों, तो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है और अथर्ववेद में। और क्या है दोस्तों, अथर्ववेद से और कौन सी जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद से हमें पता चलता है कि अथर्ववेद में क्या कहा गया है दोस्तों, कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। कन्या का जो जन्म होता है दोस्तों उसकी बुराई की गई है अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। वेदांग या सूत्र साहित्य, तो वेदांग या सूत्र लिटरेचर क्या होते थे, तो वेदों को समझने हेतु जो रचे जाते थे तो उनको वेदांग कहा जाता था। तो वेदों को या वेदों के अर्थ को समझने हेतु जिनकी रचना की गई दोस्तों, तो उनको क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेदांग कहते हैं। और कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड वेद्स, तो वेदों को क्या है दोस्तों, समझने के लिए जिनकी रचना की गई तो वो वेदांग कहलाए। और वेदांग की संख्या दोस्तों 6 है, देयर नंबर इज 6। तो इनकी संख्या क्या है दोस्तों, 6 है। शिक्षा, फोनेटिक्स उच्चारण, प्रोनाउंस्ड कल्प दोस्तों, रिचुअल्स रस्म और समारोह दोस्तों सेरेमनी, व्याकरण दोस्तों व्याकरण, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति दोस्तों ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, एटीमोलॉजी दोस्तों शब्दों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, छंद दोस्तों मैट्रिक्स, और क्या है दोस्तों ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। तो इस तरह से दोस्तों वेदों की संख्या 6 है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। याद रखेंगे शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष क्या है दोस्तों, वेदांग है दोस्तों। और वेदांगों की रचना दोस्तों वेदों के अर्थ को समझने के लिए या वेदों को समझने के लिए वेदांग या सूत्र साहित्य की रचना की गई। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से शिक्षा में दोस्तों उच्चारण, शिक्षा में उच्चारण, कल्प में रस्म और समारोह का वर्णन है दोस्तों, व्याकरण में व्याकरण है भाषाओं का व्याकरण है दोस्तों, और निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति है, छंद और ज्योतिष क्या है दोस्तों ये भी है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया सूत्र साहित्य। अब दोस्तों पुराण देख लेते हैं। तो पुराण दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। तो पुराण दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण किसमें मिलता है दोस्तों, तो पुराण में मिलता है। तो पुराणों में दोस्तों जो भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। बेस्ट अरेंज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज, तो क्या है दोस्तों जो क्या है सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है वो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में मिलता है। और इसके रचयिता दोस्तों पुराणों के जो रचयिता हैं, जो पुराणों के कंपोजर हैं, वो कौन कहे जाते हैं दोस्तों, तो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसवा को, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसवा को दोस्तों क्या कहा गया है, पुराणों का रचयिता कहा गया है, कंपोजर कहा गया है। पुराण के कंपोजर कौन कहे गए हैं दोस्तों, तो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसवा को पुराणों का रचयिता कहा गया है। अधिकांश पुराण दोस्तों संस्कृत श्लोक में रचित हैं और ज्यादातर पुराण क्या है दोस्तों संस्कृत स्रोत में रचित हैं। मोस्ट ऑफ द पुराणास आर कंपोज्ड इन संस्कृत वर्ड्स, तो संस्कृत में क्या किया गया है दोस्तों ज्यादातर पुराण लिखे गए हैं। और पुराणों का पाठ दोस्तों पुजारी मंदिरों में किया करते थे, तो पुराणों का पाठ दोस्तों पुजारी मंदिरों में किया करते थे याद रखेंगे। और स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे उन्हें सुन सकते थे। तो पढ़ने की अनुमति नहीं थी उनको, लेकिन वो सुन सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो पुराण में हमने देखा कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है।
रचयिता इसके कौन है दोस्तों, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसवा माने जाते हैं। और दोस्तों अधिकांश पुराण संस्कृत संस्कृत श्लोक में रचित हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे उनको सुन सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो सुन सकते थे लेकिन उनको क्या है दोस्तों, पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किसको दोस्तों, स्त्रियों और शूद्रों को। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों पुराणों की। तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है, याद रखेंगे दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। और इन 18 पुराणों को दोस्तों एक सूत्र के साथ आप लोग याद कर सकते हैं, मा से दो मा द्वयम भा द्वयम, मा से दो भा से दो, ब त्रयम ब से तीन, और दोस्तों व चतुर्थम अनाप लिंग स्कूर्म पुराण, ऐसे करके याद कर लेंगे, अनाप लिंग स्कूर्म पुराण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद कर लेंगे तो मत से दो हो जाएगा दोस्तों मत्स्य मार्कंडेय पुराण, भ से दो दोस्तों भविष्य भागवत पुराण, ब से तीन दोस्तों ब्रह्मा ब्रह्मवर्त, और क्या है दोस्तों ब्राह्मण पुराण, और दोस्तों इसी तरह से व से चार दोस्तों याद कर लेंगे। एक एक बार आप लोग याद करेंगे इस ट्रिक से तो जरूर आपको याद हो जाएगा। तो प्रमुख पुराणों को हम लोग देख लेते हैं, वैसे ऐसे पूछा नहीं जाता है पर एग्जामिनर्स का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है और उनको बताइए। तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाता है, रिटर्न एग्जाम जो होते हैं मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है तो वो तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन जब उनका क्या कर देगा दोस्तों, नाम पूछ लेगा, तो जब आपको याद रहेगा तभी आप वहां पे कर पाएंगे, नहीं तो वहां पे आपका नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है, और प्रमुख पुराण दोस्तों मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, और क्या है दोस्तों वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण है। तो मत्स्य पुराण में दोस्तों, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, और इसमें दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश की क्या है दोस्तों, इसमें इससे आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण दोस्तों, विष्णु पुराण मौर्यकालीन है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और वायु पुराण दोस्तों, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। और ब्राह्मण पुराण दोस्तों पुरु वंश या महापुराण वंश, महापुराण दोस्तों महापुराण काल की जानकारी मिलती है। और भागवत पुराण से दोस्तों श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में पता चलता है। और इन सभी में क्या है दोस्तों, राजाओं की वंशावली है। और इन सभी क्या है दोस्तों, जो पुराण है इनमें क्या है, राजाओं की वंशावली है। तो राजाओं की वंशावली क्या है दोस्तों, पुराणों में बताई गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या होते हैं दोस्तों, तो यज्ञों और कर्म कांडों के विधान, यज्ञों और कर्म कांडों के विधान के लिए जिन ग्रंथों का क्या किया गया है दोस्तों, रचना की गई है, तो उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण, संख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के दोस्तों दो ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण, संख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय और कौशिकी क्या है दोस्तों, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और शुक्ल यजुर्वेद का दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का दोस्तों तैतरीय ब्राह्मण। तो याद रखेंगे, स से शुक्ल यजुर्वेद का क्या है दोस्तों, स से शतपथ, तो शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का दोस्तों तैतरीय ब्राह्मण, याद रखेंगे। और सामवेद दोस्तों, सामवेद, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में पंचविश या तांडय ब्राह्मण, पंचविश या तांड ब्राह्मण, षटविश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। तो ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षटविश, संविधान, सामविश, और दोस्तों वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तो ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अथर्ववेद का दोस्तों एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो क्या है, गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो शतपथ ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों,
उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है? तो याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। और दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस जो है तो वेद से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे कि वो यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद की दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद शाखा से क्या है दोस्तों, इसका संबंध है। आगे देखते हैं दोस्तों अन्य वैदिक साहित्य, अदर वैदिक लिटरेचर। तो अन्य वैदिक साहित्यों में दोस्तों मैत्रेयिनी स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति के बारे में बताता है। मैत्रेयिनी क्या है दोस्तों, साहित्य क्या करता है, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति को बताता है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कहा गया है। किसमें दोस्तों, मैत्रेयिनी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक गैम्बलिंग एंड एल्कोहल अ वुमन हैज द थर्ड मेन फॉल्ट ऑफ द मैन। तो तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा मुख्य क्या है दोष स्त्री को बताया गया है मैत्रेयिनी संहिता में। और मैत्रेयिनी संहिता में दोस्तों स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया है। आगे दोस्तों मनुस्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। और ये क्या है दोस्तों, शुंग काल का ग्रंथ है। किस काल का दोस्तों है, तो शुंग पीरियड का क्या है दोस्तों ये बुक है। और नारद स्मृति दोस्तों गुप्त युग की जानकारी, नारद स्मृति से क्या है दोस्तों गुप्त युग की जानकारी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता एरा की जानकारी क्या है दोस्तों मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता एरा, तो गुप्त युग की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों, तो नारद स्मृति से गुप्त युग की जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य दोस्तों बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो इसमें क्या है दोस्तों, बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं दोस्तों, जातक कथाएं हैं, त्रिपिटक है दोस्तों और हीनयान है। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जातक कथाएं, त्रिपिटक, हीनयान, ठीक है दोस्तों, हीनयान के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, कथा वस्तु, ये सब शामिल हैं। तो इस तरह से दोस्तों जातक में क्या है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म में क्या था, ऐसा जातक कथाओं में वर्णित है। और द स्टोरी ऑफ बुद्धाज प्री नेटल, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में जातक कथा में वर्णन किया गया है। त्रिपिटक में दोस्तों, त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो तीन पिटकों में दोस्तों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। और भाषा क्या है दोस्तों, इसकी पाली है। और ये जो है दोस्तों इन त्रिपिटकों की भाषा क्या है दोस्तों, पाली है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, द मेन बुक ऑफ हीनयान, कथा वस्तु। तो कथा वस्तु क्या है दोस्तों, बौद्ध साहित्य हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। और इसमें दोस्तों क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किस बौद्ध साहित्य में किया गया है, तो याद रखेंगे कथा वस्तु बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहते हैं। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड आगम, जैन लिटरेचर इज कॉल्ड आगम। प्रमुख साहित्य हैं दोस्तों जैन के, जो प्रमुख साहित्य हैं उनको उनको भगवती सूत्र, कल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो भगवती सूत्र में दोस्तों भगवान महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का वर्णन है। तो भगवती सूत्र में क्या है दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का वर्णन है। और दोस्तों कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। कल्प सूत्र में क्या है दोस्तों, जो जैन धर्म है उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताया गया है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र से दोस्तों अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म की प्रारंभिक, जैनिज्म के प्रारंभिक इतिहास का पता दोस्तों कल्प सूत्र से चलता है। और भगवती सूत्र से दोस्तों महावीर स्वामी के जीवन के कृत्यों के बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पता चलता है। और दोस्तों इसमें 12 अंग हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैन साहित्य में जो प्रमुख साहित्य हैं इसमें क्या है, 12 अंग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया जैन साहित्य। अब हमारा है दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल बुक्स। तो ऐतिहासिक
पुस्तकों में दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र दोस्तों, जिसके लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य हैं। और दोस्तों विषय कौन सा है? मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में दोस्तों इससे पता चलता है। तो अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? मौर्यकालीन राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है। और यह क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र 15 अधिकरण। अर्थशास्त्र को कितने अधिकरण में दोस्तों? 15 भाग में और 180 प्रकरण, 180 क्या है दोस्तों, चैप्टर में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र को दोस्तों 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभक्त किया गया है। और दोस्तों अर्थशास्त्र की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो क्या है? वे संस्कृत है। तो अर्थशास्त्र की लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। राजतरंगिणी दोस्तों अगला जो है तो ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कलहण है। राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कौन है? कलहण है। और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी के हैं, ठीक है दोस्तों, प्रथम शताब्दी ईस्वी के हैं। और भाषा क्या है दोस्तों? इसकी भी भाषा संस्कृत है। और विषय क्या है दोस्तों? कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। तो दोस्तों राजतरंगिणी का लेखक कलहण है। और भाषा क्या है दोस्तों? इसकी संस्कृत है। और क्या है दोस्तों? और दोस्तों विषय कौन सा है? तो इसका विषय है दोस्तों, राजतरंगिणी का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो कश्मीर का इतिहास है। तो राजतरंगिणी कलहण द्वारा जो लिखी गई है दोस्तों, उसके इतिहास, उसमें क्या है दोस्तों, कश्मीर के इतिहास का क्या है दोस्तों, वर्णन है। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का ये प्रथम प्रयास था। तो दोस्तों संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इनको क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास कलहण के द्वारा राजतरंगिणी में किया गया था, जिसमें उसने क्या किया था दोस्तों, कश्मीर के इतिहास को लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक ग्रंथ हुए दोस्तों। आगे देख लेते हैं और ग्रंथों को। तो चचनामा दोस्तों, चचनामा या फतेहनामा या सिद्धनामा के नाम से इसको भी जानते हैं। और इसका जो है दोस्तों लेखक, इसके आथर दोस्तों अली अहमद हैं। और दोस्तों विषय इसका कौन है? तो इसका विषय है दोस्तों चचनामा, लेखक अली अहमद में दोस्तों, इसमें अरबों की सिंध विजय के बारे में बताया गया है। तो अरबों की क्या है दोस्तों? सिंध विजय के बारे में चचनामा लेखक अली अहमद में बताया गया है। और इसको दोस्तों फतेहनामा और सिद्धनामा के नाम से भी जाना जाता है। अगली पुस्तक है दोस्तों हमारी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों? इसके लेखक पाणिनी हैं। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक पाणिनी हैं। और क्या है दोस्तों विशेषता इसकी? संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। और क्या है दोस्तों? ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। विषय इसका है दोस्तों मौर्य युग, मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नॉलेज ऑफ द प्री मौर्यान एंड मौर्यान इरा पॉलिटिकल सिस्टम। गार्गी संहिता दोस्तों, लेखक इसका कात्यायन है। विषय कौन सा है दोस्तों? ज्योतिष है। भारत पर होने वाले यमन आक्रमण की जानकारी इससे मिलती है। तो भारत पर होने वाले यमन आक्रमण की जानकारी दोस्तों कात्यायन की गार्गी संहिता से मिलती है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों महाभाष्य। महाभाष्य दोस्तों, महाभाष्य पुष्यमित्र, इसके लेखक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि हैं। तो महाभाष्य के लेखक कौन है दोस्तों? महाभाष्य के आथर कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि को महाभाष्य का आथर माना गया है। तो पतंजलि द प्रेस्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंग आर द आथर ऑफ द महाभाष्य। तो महाभाष्य के क्या है दोस्तों? लेखक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित महाभाष्य के लेखक हैं। और इसमें क्या है दोस्तों? महाभाष्य में शुंगों की जानकारी, शुंग काल की जानकारी मिलती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट शुंगास, तो शुंगों की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला क्या है दोस्तों? यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक दोस्तों ग्रीक रोमन राइटर्स, चीनी लेखक चाइनीज राइटर्स, और दोस्तों अरबी लेखक अरेबिक राइटर्स और अन्य लेखकों में दोस्तों। तो इन सभी को एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखकों में दोस्तों प्रमुख लेखक हैं टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमिकस। याद रखेंगे उनका क्रम, टेसियस, हेरोडोटस,
मेगास्थनीज, डायमेकस, ये क्या है दोस्तों? यूनानी रोमन लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है दोस्तों टेसियस, यह ईरान का राज्य वैद्य था। टेसियस क्या था दोस्तों? ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान। तो ईरान का क्या था दोस्तों? ये राज्य वैद्य था। और भारत के संबंध में इसका जो विवरण है दोस्तों वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो क्या है दोस्तों, जो टेसियस था ये ईरान का राज्य वैद्य था और भारत के संबंध में इसने जो विवरण दिया तो वो क्या है दोस्तों, वो विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरा होने के कारण दोस्तों विश्वास योग्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे है दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और उनकी पुस्तक दोस्तों हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? हिस्टोरिका है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था दोस्तों? तो यह फिलिप का पुत्र था। तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर एम्बेसडर कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। तो मेगास्थनीज कहाँ आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी एक बुक लिखी दोस्तों, इसने अपनी एक पुस्तक को लिखा दोस्तों, और उस पुस्तक का नाम दोस्तों इंडिका था, याद रखेंगे। और इस इंडिका में दोस्तों मौर्य कालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो इंडिका से दोस्तों मौर्य युगीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, इसने एक किताब लिखी दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों? इंडिका था। और उस इंडिका में दोस्तों इसने मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी दी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है डायमेकस। डायमेकस ठीक है दोस्तों, डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, एम्बेसडर ऑफ सीरियन किंग एंटियोकस। तो एंटियोकस का क्या था दोस्तों? राजदूत था। कौन? डायमेकस था। और ये दोस्तों बिंदुसार के दरबार में आया था। केम टू बिंदुसार कोर्ट, बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों डायोनीसियस। डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। तो डायोनीसियस क्या था दोस्तों? मिस्र के राजा टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट किंग टालमी फिलाडेल्फिया। तो टालमी फिलाडेल्फस का क्या था दोस्तों? राजदूत था। कौन राजदूत था दोस्तों? तो डायोनीसियस था। और ये क्या था दोस्तों? अशोक के दरबार में आया था। तो याद रखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका का लेखक मेगास्थनीज आया। और क्या है दोस्तों? डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का क्या था दोस्तों? राजदूत था। और ये बिंदुसार के दरबार में आया। डायोनीसियस क्या है दोस्तों? टालमी नरेश, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। और यह अशोक के दरबार में आया। तो अशोक के दरबार में आने वाला क्या है दोस्तों? राजदूत डायोनीसियस। और बिंदुसार के दरबार में आने वाला दोस्तों डायमेकस। और मेगास्थनीज क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे है दोस्तों टालमी। टालमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो टालमी ने क्या किया दोस्तों? दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। रोट अ बुक कॉल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन द सेकेंड सेंचुरी। तो दूसरी शताब्दी ईस्वी में क्या किया टालमी ने? भारत का भूगोल नामक पुस्तक को लिखा। अगला लेखक दोस्तों सातवां लेखक प्लिनी है। इसकी पुस्तक का नाम दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री है। और इसमें इसने बताया दोस्तों भारतीय वनस्पति और जीवों के बारे में। तो भारतीय वनस्पति और जीवों के बारे में जानकारी दोस्तों प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री से मिलती है। आगे दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक का लेखक दोस्तों अज्ञात है, एनोनीमस है दोस्तों। और 80 एडी के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी के बारे में इसमें बताया गया है। और दोस्तों सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नेरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस के विवरण क्या है दोस्तों? अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो याद रखेंगे सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे तो उनमें नेरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस के जो विवरण हैं वो ज़्यादा प्रमाणिक और विश्वास योग्य हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये लेखक हो गए। अब दोस्तों चीनी लेखक।
चीनी लेखकों में दोस्तों फाहियान, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है दोस्तों, तो फाहियान क्या था दोस्तों, फाहियान क्या था, इस ये दो है राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसकी जो पुस्तक है दोस्तों वो फोक्यो की है, बौद्ध राज्यों का अभिलेख के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। और इससे जो है गुप्त काल विशेषकर मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है इसमें, किसमें दोस्तों, फोक्यो की में, गुप्त काल और विशेषकर मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है। तो मध्य प्रदेश की जनता को इसने क्या बताया है दोस्तों, सुखी और समृद्ध बताया है। तो मध्य प्रदेश की जो जनता है दोस्तों तो वो सुखी और समृद्ध थी, ऐसा जो है तो फाहियान ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। संयुगन ये 518 ईस्वी में भारत आया, इट केम टू इंडिया इन 518 AD, अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसने कोई विशेष काम नहीं किया दोस्तों, इसने क्या किया, अपने 3 वर्षों की यात्रा के दौरान जो बौद्ध धर्म था दोस्तों उनकी क्या की दोस्तों, धार्मिक प्रतियों को एकत्रित किया और फिर वापस चला गया। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब अगला लेखक दोस्तों, अगला चीनी लेखक है हेनसांग। हेनसांग दोस्तों इसकी यात्रा दोस्तों 639 AD से 645 AD तक हुई। भारत में ये दोस्तों 629 से 645 ईस्वी तक रहा, और किसके शासन काल में आया दोस्तों, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर आया था, 15 वर्षों तक था दोस्तों। इसने भी एक पुस्तक लिखी दोस्तों, एक बुक लिखा जिसका नाम दोस्तों सीयू की था, और इस बुक में दोस्तों इसने हर्षकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी दी, और इसने दोस्तों 138 देशों का विवरण है। तो जो क्या है दोस्तों, हेनसांग की सीयू की है, इसमें 138 देशों का विवरण है। विशेष दोस्तों बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी इसने किया। तो हेनसांग ने क्या किया दोस्तों, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्यापन का कार्य किया। और उस समय क्या थे दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके कुलपति, समकालीन कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, याद रखेंगे। तो यात्रियों में दोस्तों इसको राजकुमार कहा गया है, तो याद रखेंगे यात्रियों में कवि और राजकुमार के नाम से इसको जाना जाता है हेनसांग को। आगे है दोस्तों इत्सिंग, ये क्या था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, 7वीं सदी के अंत में भारत आया, एक चीनी यात्री और अनुवादक था। तो इत्सिंग क्या था दोस्तों, चीनी यात्री था और क्या था दोस्तों, साथ में ट्रांसलेटर था। तो ए चाइनीज ट्रेवलर एंड ट्रांसलेटर अराइव्ड इन इंडिया एट द एंड ऑफ द 7th century। तो 7वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ दोस्तों, ये भारत आया इत्सिंग, और ये क्या था दोस्तों, चीनी यात्री था और एक अनुवादक था। जानकारी दोस्तों ये क्या देता है, तो समकालीन भारत के बारे में बताता है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में ये जानकारी देता है। तो इस तरह से दोस्तों चीनी यात्रियों में फाहियान, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखेंगे। आगे दोस्तों अरबी लेखक, अरबी लेखकों में प्रमुख लेखक हो गए दोस्तों अलबरूनी और इब्न बतूता। तो अलबरूनी दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक अलबरूनी है। तो अरेबियन राइटर कमिंग टू इंडिया विथ महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के साथ में है ना अलबरूनी भारत आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, किताबुल हिंद, तहकीके हिंद या भारत की खोज दोस्तों। और इसकी भाषा क्या थी दोस्तों, अरबी थी, और इसमें क्या है दोस्तों, 80 चैप्टर हैं, 80 अध्याय हैं। और इससे जानकारी क्या मिलती है दोस्तों, अलबरूनी की किताबुल हिंद से क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, तो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा दोस्तों समाज और तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और ये क्या बताता है दोस्तों, राजपूत कालीन राजनैतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इस तरह से दोस्तों अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद से दोस्तों धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान के बारे में और सोसाइटी, तंत्र मंत्र के बारे में, साथ ही दोस्तों राजपूत पीरियड पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन के बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया हमारा अलबरूनी। अब दोस्तों अगला है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया दोस्तों, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एक मोरक्को यात्री, लेखक और खोजी था दोस्तों। और इसकी पुस्तक का नाम दोस्तों रिहला है, जिसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है दोस्तों। और ये भी क्या है दोस्तों, अरबी भाषा में है,
और इससे दोस्तों 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों के बारे में, इसमें क्या है दोस्तों 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, और क्या है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की भी इससे जानकारी दी है। तो इसने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत रेहला में दोस्तों 14वीं सदी के भारतीय परिस्थितियों के बारे में जिक्र किया है, साथ ही दिल्ली सल्तनत के जानकारी दिल्ली सल्तनत के बारे में भी जानकारी लिखी है। तो आगे दोस्तों विशेष क्या है, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी न्यायाधीश बनाया था। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों अन्य लेखकों में तारानाथ दोस्तों तिब्बती लेखक था, तिब्बतियन राइटर था दोस्तों। इसकी पुस्तकें कंग्यूर और तंग्यूर थी दोस्तों। और मार्को पोलो दोस्तों 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था दोस्तों। और ये क्या था, मार्को पोलो इटली का यात्री था दोस्तों। पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी देता है। आगे है दोस्तों पुरातत्व तो संबंधी साक्ष्य, तो अभिलेख क्या है दोस्तों, तो अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों इपिग्राफी कहलाता है। और क्या है दोस्तों अभिलेख क्या है दोस्तों, जैसे कोई पत्थर है और उस पत्थर पर क्या है दोस्तों खोद खोद करके यदि कुछ लिख दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलेख कहते हैं। और स्तंभ लेख क्या है दोस्तों, स्तंभ लेख में पहले क्या किया जाता है, इस तरह का पिलर बनाया जाता है और उस पिलर पर क्या करते हैं दोस्तों लिख देते हैं, तो उसको स्तंभ लेख कहेंगे। और सिक्के आप लोग जानते ही हैं, तो सिक्कों में क्या है दोस्तों, सिक्कों में राजा क्या करते थे, अपनी जो है तो तस्वीरें लगवा देते थे जिससे ये पता चलता है कि ये उनके टाइम पीरियड का सिक्का है। तो इस तरह से दोस्तों महत्वपूर्ण अभिलेखों में हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है दोस्तों, कलिंग राजा खारवेल के शासन काल का है दोस्तों। और इसमें सर्वप्रथम क्या है दोस्तों, भारतवर्ष का जिक्र किया है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है, तो हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख में है दोस्तों। और ये क्या है, कलिंग राजा खारवेल के टाइम पीरियड का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख दोस्तों रुद्रदामन, नासिक अभिलेख शासक दोस्तों गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों समुद्रगुप्त शासन, एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख दोस्तों मालवा नरेश, यशोवर्मन रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में दोस्तों इससे जानकारी मिलती है। तो मंदसौर अभिलेख से क्या है दोस्तों, रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या है दोस्तों, ये मालवा नरेश यशोवर्मन के टाइम पीरियड का है। आगे देख लेते हैं दोस्तों ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख दोस्तों प्रतिहार नरेश भोज के टाइम पीरियड का है। और दोस्तों भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड का है। भारत में होने वाले हूण आक्रमणों के बारे में इसमें लिखा गया है। देवपाड़ा अभिलेख दोस्तों बंगाल शासक विजय सेन के टाइम पीरियड का है। बेसनगर विदिशा गरुण स्तंभ हेलियोडोरस शासनकाल में दोस्तों मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण इसी से मिलता है। एरन अभिलेख दोस्तों भानुगुप्त गुप्त वंश का दोस्तों ये शासक है, और ये वैसे तो गुप्त वंश का कमजोर शासक माना जाता है, लेकिन इसके टाइम पीरियड का दोस्तों सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। एशिया माइनर दोस्तों बोगाज कोई अभिलेख 1400 BC, वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नासत्य का उल्लेख है। और ये क्या है दोस्तों, सबसे पहले का क्या है, अभिलेख है। इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों सिक्के और अन्य जानकारियों के बारे में देख लेते हैं। तो नवीनतम सिक्के दोस्तों, जो प्राचीनतम सिक्के थे दोस्तों उनको आहत सिक्के, कासारपण, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। अब होता क्या था दोस्तों, आहत सिक्के कासारपण या पंचमार्क सिक्के ये क्या होते थे दोस्तों, धातु के टुकड़े पर विशेष प्रकार से ठप्पा लगा करके बनाए जाते थे। तो जो धातु होती थी दोस्तों तो उसके टुकड़ों पर क्या करते थे, एक स्पेशल टाइप का ठप्पा लगा देते थे, सील लगा देते थे, तो वे सिक्के क्या कहलाते थे दोस्तों, आहत सिक्के, कासारपण सिक्के या पंचमार्क क्वाइन कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यमन शासकों ने कराया। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य कौन किसने कराया, तो ग्रीक यमन शासकों ने कराया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त गुप्त शासक जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, तो उसके जो है वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और दोस्तों अरिकमेडू पदुचेरी के निकट से रोमन के सिक्के मिले हैं। तो अरिकमेडू पदुचेरी के निकट से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे, अरिकमेडू पदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे दोस्तों सबसे पहले भारत के संबंध
बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, सुवर्ण द्वीप, कंबोडिया दोस्तों कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। तो भारत के सबसे पहले संबंध दोस्तों बर्मा से, जो वर्तमान में क्या है दोस्तों म्यांमार है, और उस टाइम पर उसको सुवर्ण भूमि कहा जाता था दोस्तों। और दोस्तों फिर उसके बाद मलाया से, मलाया को स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, तो सुवर्ण भूमि स्वर्ण द्वीप, और कंबोज कंबोडिया को दोस्तों, और जावा दोस्तों यवद्वीप से भारत के सबसे पहले संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हुए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा चैप्टर आज होता है यहीं से समाप्त, और अगले चैप्टर में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे प्रागैतिहासिक इतिहास पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों यदि आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में इस क्लास को लेकर के आप लोग सुझाव दे सकते हैं कि इस क्लास को आप लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।